नमस्ते सबको, नमस्ते। आवाज मिल रही है? आवाज मिल रही है जी? नमस्ते सबको, नमस्ते। क्लियर हुआ? ओके। नया में तो सबसे पहला है, अभी मैं जो देख रहा हूं, मतलब पिछला 2 साल से जो देख रहा हूं, कि ऑल द स्टार्टर डिपेंडेंट हो गया है एडवांस पे, कि आप एडवांस को पहले लाइन क्लियर लेके टेकन ऑफ करिएगा, उसके बाद ही स्टार्टर टेकन ऑफ होगी। यानी इसकी एचआर पिकअप होगी, डीआर पिकअप। एचआर तो नहीं होता इसमें, डीआर होता है। डीआर पिकअप होगी तब इसकी एचआर कर सकते हैं आप, ठीक है? ये फर्स्ट है थिंग्स। और उसके लिए हर एक स्टार्टर के नीचे हमें सेंट सिग्नल प्रोविजन कर रहे हैं। बट कहीं पे हो सकता है नहीं हो, तो जहां नहीं भी होगा वहां पे आपका स्टार्टर की एचआर होने के लिए इसके सर्किट में अब सिग्नल इन एडवांस का आइदर आरजी यानी आरईसीआर या डीईसीआर, दोनों में कोई एक पिकअप रहना पैरेलली जरूरी है। आपको सिग्नल नो लाइट नहीं होना है। जब सिग्नल एडवांस नो लाइट रहेगा आप स्टार्टर को टेकन ऑफ नहीं कर सकते हैं। इसको मैंडेटरी नहीं, ऑलमोस्ट हर सिग्नल के लिए ही है तो, बट इसको दिखाना तो है ना। ये जो हमारे दिया हुए है सिग्नल एस्पेक्ट कंट्रोल्ड बाय, पहले नहीं था। आप याद करिए, आज के पहले इलेक्ट्रोमैकेनिकल यार्ड टाइप में या पैनल यार्ड में ही जरूरत नहीं था एडवांस की आरईसीआर डीजीसीआर का। हमारी स्टार्टर फ्री थी, एडवांस नहीं भी है फिर भी स्टार्टर को एलो करते थे और सेंटिंग कराते रहते थे हम। हमको जहाँ तक ध्यान है, याद है, हमारे एडवांस पे डिपेंड नहीं करता था हमारा स्टार्टर। जैसे जी रैंडम प्रोटेक्शन में क्या डालेंगे रिमार्क्स में? हाँ, रेड लैम्प प्रोटेक्शन जब डालेंगे, उसी में बता रहे हैं कि एडवांस आपको देना पड़ेगा ना आरजी। कि रेड लैम्प प्रोटेक्शन नहीं लिए हैं? हाँ नहीं तो ठीक है, वही तो बता रहा हूँ। यहाँ पर अभी देखिए इसमें क्या है, ये वाली जो स्टार्टर में है, दिस इज S09 का आरजी बार डीजी, या तो आरजी होना है या डीजी होना है। ये तो रेड लाइन प्रोटेक्शन ही हो गई ना। डीजी नहीं भी होगा फिर भी आरजी से आप ले सकते हैं। ये है जहां पे स्टार्टर इंडिपेंड, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट। यानी ये तो रेड रहेगा ही, दिस इज द नॉर्मल एस्पेक्ट है, एडवांस तो रेड नॉर्मल ही रहना है। उस पीरियड में विदाउट एडवांस को टेकन ऑफ किए आप अपनी स्टार्टर को एलो कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें सिर्फ रेड लाइन प्रोटेक्शन होती है और ये एलो होता है, ये पहले था। और इसको हम लोग रिलीज्ड बाय के सर्किट में नहीं लाते हैं। अभी आपकी जितनी सर्किट आ रही है उसमें स्टार्टर इज रिलीज्ड बाय एडवांस स्टार्टर है। यानी जब तक आप इसको ग्रीन नहीं करेंगे तब तक इसकी एचआर पिकअप नहीं होगी, ठीक है? तो उसको सर्किट में ले लेते हैं। जी जी बोलिए बोलिए। इंटरमीडिएट हाँ देना पड़ा कंट्रोल करने के लिए। नहीं, हाँ मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव एस्पेक्ट होना चाहिए। देखिए रिलीज्ड बाय का मतलब ये होता है, जैसे अगर आप रिपीटेड होम मान लीजिए लगाते हैं, ठीक है? तो रिपीटेड होम जो होती है, रिपीटेड होम में रेड तो रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा रिपीटेड होम में नॉर्मली जो होम का एस्पेक्ट है वही इसको रिपीट करता है नॉर्मली, जब आपकी रूट पूरा पूरी सेट है तो। बट ये जो होम है ये रेड तब तक रहेगा जब तक कि आप इसको टेकन ऑफ नहीं कर देते हैं। तो इसको टेकन ऑफ करने का मतलब क्या हुआ कि दोनों में तो एस्पेक्ट 3 ही रहेंगे, रेड येलो और ग्रीन। तो ग्रीन है तो रन थ्रू, ग्रीन है तो रन थ्रू। अगर ये ग्रीन है तो इसको भी हम ग्रीन करेंगे तो एडवांस से पूरा ग्रीन होते चला जाएगा। बट गाड़ी अगर आके खड़ी हो गई दैट टाइम में हम दो ही काम कर सकते हैं, आइदर एलो विथ रूट और एलो। तो ड्राइवर को चूंकि दोनों
आउटर और होम है, अभी तो आउटर का कंसेप्ट खत्म ही हो गया, रिपीटिंग होम कहिए, रिपीटिंग होम है, तो रिपीटिंग सिग्नल सेम एस्पेक्ट दिखाता है टू द मेन सिग्नल का, बट दिस इज रिलीज्ड बाय द मेन सिग्नल, कि आप पहले मेन सिग्नल को टेकन ऑफ करेंगे तब इसको टेकन ऑफ कर पाएंगे, सिंपल यही है। और रिपीटिंग होम वगैरह की जितने भी सिग्नल हैं उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ कंट्रोलिंग करने का है, वो ड्राइवर को डायरेक्शन, मतलब फुल्ली डायरेक्शन नहीं दे रहा है, वो ड्राइवर की ट्रेन को कंट्रोलिंग करने का एक प्रोविजन दिया गया है कि डिस्टेंस कम है आप यहीं से कंट्रोल करके अपना चाहिए, तो वो यहाँ भी खड़ा हो सकता है, इसको रिपीटिंग होम की सिग्नल में कभी बाय चांस कंट्रोल नहीं कर पाया तो वो पार होके आगे भी खड़ा हो सकता है, लेकिन उसको अपनी मेन होम के पास खड़ा रहना है, क्योंकि आपकी जो मेन होम है वो ब्लॉक ओवरलैप के बाद ही होना है, अगर आपने गेट लगाया पॉइंट है तो 180 मीटर के बाद ही आप मेन होम को दे सकते हैं, और अगर मेन होम और होम के बीच में एलसी गेट आ गई दैट मीन्स ये रिपीटिंग होम नहीं, ये एलसी गेट होम हो जाती है, गेट कम डिस्टेंट होम या गेट होम हो जाएगी, फिर इसकी कंट्रोलिंग और एस्पेक्ट सिक्वेंस अलग हो जाएगा, ये डिपेंड इस पे नहीं करेगा, ये एक दो चीज़ें छोटी छोटी हैं, ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में उसको फॉलो करना पड़ता है हम लोग को, नॉर्मली तो ये सब सिचुएशन आती नहीं है, क्रिटिकल सिचुएशन में अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ यार्ड इसको हम लोग को फॉलो करके सिग्नल एस्पेक्ट देना पड़ता है।